हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान। हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं आईएलए का। जैसे कि आपने देखा, हमने मॉड्यूल्स डिस्कस किए, तीन तीन के सेट में हमने 7 बार जो है 21 मॉड्यूल्स जो है वो डिस्कस किए। इसके अलावा कुछ मॉड्यूल्स के टेस्ट भी लिए हमने तीन तीन के सेट में, ठीक है। एक दो के टेस्ट जो रह भी गए हैं, लेकिन दिशा निर्देश क्या है आईएलए के वो हमने नहीं देखा, क्योंकि ये सबसे पहले हमें ये वीडियो लाना चाहिए था, उसके बाद हमें आईएलए के मॉड्यूल्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करना था। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, पोषण की फुल फॉर्म है पीएम ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है। तो 2018 में ही जो है आईएलए जो है इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच, उसके उसको कैसे लागू किया जाएगा, उसके दिशा निर्देश जो है वो आए थे। फिर 2019 से जो है इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये कुछ चीजें हैं, बाकी तो आपको पता ही है। जैसे आशा की तो आपको फुल फॉर्म मैंने बता दी, फुल फॉर्म वाले एक बीआरजी होता है, बीआरजी की ट्रेनिंग की बात की जाती है तो ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप, ब्लॉक संसाधन समूह, ये जो सीडीपीओ लेवल पे जो ट्रेनिंग होती है उसको बीआरजी की ट्रेनिंग कहते हैं। इसी तरह से एक डीआरजी की ट्रेनिंग होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जिला संसाधन समूह डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप, और इसी तरह से एक एसआरजी की ट्रेनिंग होती है जो स्टेट लेवल पे होती है, ठीक है, उसको स्टेट रिसोर्स ग्रुप कहा जाता है। बाकी चीजें इसमें सेम ही आईएलए की फुल फॉर्म है, आईसीडीएससी कैस और आईसीटी और आईसीटी जो है आरटीएम, ये हमने फुल फॉर्म्स में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसको दोबारा रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधा इस पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो है पोषण अभियान जो है वो जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो पीएमवीवाई है, सैग है, जेएसवाई है, नेशनल हेल्थ मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, पीडीएस है, मनरेगा है, ठीक है, तो इन सबको जो है इनके कन्वर्जेंस की बात की गई है। तो ये सारी जो स्कीम्स है आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कन्वर्ज होंगी, ठीक है। और दूसरा ये क्या करता है, 1000 दिन पे फोकस करता है। वो 1000 दिन कौन से हैं, एक तो 9 माह गर्भावस्था के, 6 महीने तक स्तनपान, और फिर 6 महीने से 2 साल। तो ये टोटल जो पीरियड है वो 1000 दिन, 1010 दिन के आसपास बनता है, जिसको एवरेज में हम 1000 दिन की बात करते हैं, ठीक है। और अगर हम इस पे फोकस करें तो एक तो हम ना केवल बच्चे के वजन में वृद्धि कर सकते हैं, दूसरा शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों को जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक मेन जो है वो फोकस है, पॉइंट है, ठीक है। अगर हम उद्देश्य की बात करें तो आईएलए के जो उद्देश्य हैं वो लगभग ये तीन उद्देश्य बताए गए हैं। पहला ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सीख कर, जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, उस पद्धति से कौशल निर्माण करना। तो वो खुद ही जो है सीख कर वो जो है उसको अप्लाई करेंगे फील्ड में जाकर, होम विजिट के द्वारा या और तरीके से। तो आईएलए को पहले वो सीखेंगे करके, फिर उसको जो है लर्निंग बाय डूइंग, तो कर करके सीखना, तो उस पद्धति का जो है उससे जो है स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल निर्माण करना। दूसरा, इस प्रकार की पद्धति के माध्यम से एक तो पर्यवेक्षण ढांचो और कौशल को जो है सुदृढ़ बनाना, तो जो आंगनबाड़ी वर्कर की जो स्किल है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है, उसके कौशल में एक तो वृद्धि होगी। दूसरा, जिस ढंग से वो पर्यवेक्षण करती है, ठीक है, बच्चों की जो भी निगरानी प्रणाली है, ठीक है, तो पर्यवेक्षण का जो ढांचा है उसको भी जो है मजबूत जो है वो बनाना, ठीक है। तो दो उद्देश्य। तीसरा है सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आईसीडीएस और स्वास्थ्य कार्यक्रम को जो है उसमें समन्वय योग्य बनाना। तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट और आईसीडीएस दोनों जो है वो मिलकर जो है वो कार्य करेंगे समन्वय से, तो ये भी जो है उद्देश्य है आपका आईएलए का। उसके बाद अगर हम बात करें इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच के प्रमुख तत्वों की, आईएलए के कुछ तत्व भी हैं इंपॉर्टेंट हैं, जो जिसमें एक तो चल रहे अधिगम आयोजन और समीक्षा पर ढांचागत पर्यवेक्षण विचार विमर्श, ठीक है। तो जो भी अभी तक लर्निंग चल रही है या प्लानिंग चल रही है तो उसकी, और या जो भी हम समीक्षा कर रहे हैं तो उस पर एक तो डिस्कशन करना जो अभी वर्तमान में चल रही है। दूसरा, ठीक है, जो भी स्पष्ट रूप से परिभाषित निष्कर्षों और परिणामों के साथ योजनाबद्ध अधिगम जो है कार्यसूची, तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है, जिसको हम एक तरह से याद करना भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो लर्निंग कहा जाता है अधिगम को, ठीक है। तो उसकी जो कार्यसूची बनाना वो भी इसमें है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पष्ट रूप से परिभाषित निष्कर्ष
और परिणाम के साथ योजनाबद्ध तरीके से जो है अधिगम की सूची, तो किस तरह से जो है वो पढ़ाया जाएगा वो उसके बारे में जो है वो कार्यसूची बनाई जाएगी। अधिगम और निष्पादन सुधार के लिए आईसीटी आरटीएम आंकड़ों के आधार पर साक्ष्यों का प्रयोग, तो जो भी हम आईसीटी आरटीएम जो भी हम मोबाइल से जो भी हमारे पास जो रियल टाइम मॉनिटरिंग से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जो भी हमारे पास आंकड़े उपलब्ध होंगे वो एक तरह से हमारे लिए साक्ष्य का काम करेंगे, तो उससे जो है हमारे जो निष्पादन में जो है वो सुधार होगा, ठीक है, और हमारी लर्निंग में भी जो है वो सुधार होगा, ठीक है। तो लर्निंग भी हमारी इम्प्रूव होगी, जिसको टीचिंग भी लर्निंग और टीचिंग भी कहा जाता है, शिक्षण को टीचिंग कहा जाता है, अधिगम को लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारा निष्पादन है जो हम आउटपुट बोलते हैं ना जिसको, उसमें भी सुधार होगा। इसके अलावा आरसीडीएस और स्वास्थ्य कार्यक्रम के बीच में कन्वर्जेंस होगा, अभिसरण यानी कन्वर्जेंस होगा, ठीक है, और उसका जो दोनों के बीच में जो कन्वर्जेंस का जो तंत्र है वो भी जो है वो सक्रिय होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है क्रमिक प्रणाली पे जो है मासिक प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में मंथ वाइज जो है वो हम तीन तीन मॉड्यूल्स की जो है ट्रेनिंग कराते रहेंगे, तो एक क्रमिक प्रणाली चलती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ तत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आईएलए का ये मॉड्यूल शुरू करने से पहले कुछ तत्वों की बात की गई थी और उद्देश्यों की बात की गई थी, तो एक बार मैंने कहा कि भाई ये भी जरूरी पॉइंट है, कई कई बार पूछ ही लें आपसे, तो एक बार आपको ये पता होना चाहिए। तीन हमारे उद्देश्य हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो ये कुछ तत्व जो हैं ये बताए गए हैं, ठीक है। एक बार आपने पढ़ लेना, ठीक है, कई बार हिंदी जो है वो काफी टफ होती है। दूसरा कार्यक्रम उद्देश्य, और ये तो हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, और इसके बारे में फिर ये जो है जैसे कि तत्वों की बात की गई है, तो मौजूदा अधिगम आयोजन समीक्षा के लिए ढांचागत पर्यवेक्षण विचार विमर्श, तो इनको फिर ये जो विस्तार पूर्वक जो है ये बताया गया है, हम इसको विस्तार में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जैसे 1000 दिन की बात की गई है, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट जो है वो अगर आप देखें तो हिंदी में जो आईएलए का इन्होंने मतलब दिया है वो है संवर्धित शिक्षण दृष्टिकोण, ठीक है, इंक्रीमेंटल लर्निंग अप्रोच का। तो एक तो इसमें यह बताया गया है कि जो ट्रेनिंग होगी वो ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और जो उसके बाद सेक्टर लेवल है जिसको क्षेत्रीय स्तर है, ठीक है, वो प्रति माह जो है वो जो है ट्रेनिंग की जाएगी, ठीक है, और उस ट्रेनिंग का सारा ब्यौरा जो है आगे दिया गया है। सबसे पहले तो एसआरजी का गठन होगा जिसको राज्य संसाधन समूह स्टेट रिसोर्स ग्रुप कहा जाता है, ठीक है, स्टेट लेवल पे जो मास्टर ट्रेनिंग तैयार होते हैं, ठीक है, वो लोग फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके फिर, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट से दो दो तीन तीन लोग होते हैं स्टेट लेवल पे, फिर वो ट्रेनिंग होती है, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर वही लोग जो है वो आगे हर ब्लॉक से लोग आते हैं दो दो तीन तीन, और फिर उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। फिर ये जो डीआरजी की ट्रेनिंग वाले जो लोग हैं वही आगे जाके फिर बीआरजी की ट्रेनिंग कराते हैं, ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप की, जिसमें सभी सुपरवाइजर और हेल्थ के लोग आते हैं, ठीक है, और साथ ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट वाले जो डीआरजी की ट्रेनिंग में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो ये लोग फिर आगे जाके जो है वो सेक्टर लेवल की फिर ट्रेनिंग जो है वो करवाते हैं, ठीक है। एक और चीज है, ब्लॉक और सेक्टर लेवल की ट्रेनिंग में कम से कम 4 घंटे जरूर जो है वो ट्रेनिंग जो है वो करवानी चाहिए, और इसके लिए जो एक विस्तृत रूप से कार्यसूची जो है वो पहले ही तैयार करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, 4 घंटे का कम से कम जो है डेली जो है वो आपको ये जो है कराना चाहिए। बाकी और इसमें देख लेते हैं हम, अगर कोई इम्पॉर्टेंट है जैसे क्षेत्रीय स्तर पे जो है खासतौर पे सेक्टर लेवल की ट्रेनिंग में जो है वो निम्नलिखित सेशन जरूर होंगे, एक तो समीक्षा सत्र होगा, एक इनपुट सत्र होगा, एक आयोजना सत्र होगा, और एक सत्र के लिए प्रत्येक चक्र में विषयगत चर्चा करने के लिए सुविधा सामग्री, आईएलए विषय पे मॉड्यूल और प्रश्न नोट गाइड के अतिरिक्त सेट जो है वो शामिल होंगे। तो ये चार जो है वो चीजें, तीन तो सत्र हो गए, बाकी साथ ही साथ इसके साथ ये भी चीजें जो है वो सेक्टर लेवल की ट्रेनिंग में जो है वो करवाई जाएंगी, ठीक है, जहां पे औपचारिक प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया गया। बाकी और भी पॉइंट है इसमें, हम इसको नहीं देखते, सीधा अब देखते हैं यहाँ पे, बाकी ये 21 मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है,
और डीआरजी की ट्रेनिंग जैसे है, तो डीआरजी की ट्रेनिंग में जैसे बताया गया है कि डीपीओ होगा, सीडीपीओज होंगे 2 से 3, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा पोषण अभियान का, इसके अलावा हेल्थ से स्टाफ होंगे कुछ 3 से 4 जो है मास्टर ट्रेनर होंगे, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉक लेवल की ट्रेनिंग जैसे यहाँ डीआरजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो तिमाही प्रबोधन में भाग लेना है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, ठीक है। बीआरजी की ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, जो बीआरजी की ट्रेनिंग है ब्लॉक रिसोर्स ग्रुप की, उसमें सीडीपीओ होगा, सुपरवाइजर सभी होंगे, इसके अलावा एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होगा, ठीक है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है डीआरजी की ट्रेनिंग में, इसके अलावा जो हेल्थ से है, और साथ ही साथ 3 से 4 मास्टर ट्रेनर, ठीक है। तो ये बीआरजी की ट्रेनिंग है, और आगे जो है वो फिर सेक्टर लेवल की ट्रेनिंग आएगी, ठीक है, और एसएमपीयू का जो है वो, ठीक है, इस्तेमाल होगा, ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट। बाकी कोई ज्यादा इसमें खास चीज नहीं है, पर मैंने कहा चलो एक छोटा सा वीडियो जो है वो इस पे, ये कुछ रिपोर्टिंग का सिस्टम है, इससे आपका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एक ये हमारा मेन इसमें एक तो उद्देश्य और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, बाकी ये शुरुआत में करना था, और 21 मॉड्यूल्स तो हमने करवाई दी हैं, ठीक है। तो उसके नाम वगैरह तो है, आप जब मॉड्यूल्स के वीडियो देखेंगे तो वहां से आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।